सो है गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्लिपकार्ट अकाउंट का ईमेल आईडी कैसे चेंज करोगे। अगर आप का ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट है और उस अकाउंट में मेरा जो मेरा ओल्ड ईमेल आईडी है उसको मैं चेंज करूंगा और मेरा न्यू ईमेल आईडी में यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। तो वही प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा। तो पीसी और स्मार्टफोन में दोनों ही सेम प्रोसेस है। अगर आप स्मार्टफोन में करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट ऑन करके अपना ये काम कर सकते हैं। तो मैं पीसी में आपको दिखाऊंगा, सेम प्रोसेस है दोनों में। तो यहाँ पर चिंता का कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मेरा अकाउंट यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर पर ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करने वाली हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको मैं कट आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट यहाँ पर मैं ओपन कर चुकी हूँ। तो ये है मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट का ईमेल आईडी चेंज करना चाहते तो यहाँ पर इस पेज पर आना होगा। ओके, तो आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट यहाँ पर ओपन करना होगा। चाहे आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो या फिर अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन भी ऑन कर सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर आना होगा, आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल यहाँ पर खुल जाएगा, आपका जो भी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आपका ईमेल आईडी कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते ईमेल एड्रेस यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा, यहाँ पर मैं इसको ब्लर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो इस बॉक्स में लॉक है यहाँ पर क्लिक ही नहीं होगा। ओके, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज नहीं होगा। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल एड्रेस और तो उसके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना होगा अगर आपका ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एडिट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे तो इस बॉक्स जो है अनलॉक हो जाएगा। तो आप जो है इस ईमेल आईडी को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ईमेल आईडी को हटा के मेरा न्यू ईमेल आईडी यहाँ पर मैं दे देती हूँ। तो मेरा न्यू ईमेल आईडी है tweetmeofficial@gmail.com। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ फिर से tweetmeofficial@gmail.com। तो ये मेरा न्यू ईमेल आईडी है, तो मैं इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला बॉक्स, सेकंड और थर्ड। तो जो पहले वाला बॉक्स है यहाँ पर देख सकते हैं इस जो भी न्यू ईमेल आईडी आपने ऐड किया है उस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको देना होगा। उसके बाद इस मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर है, इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अपना फ्लिपकार्ट का जो भी पासवर्ड है इस बॉक्स में आपको आपका पासवर्ड देना होगा। तो इस जो भी नंबर आप रजिस्टर किया है इस नंबर पे रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो ओटीपी कैसे जाएगा। तो मेरा जो भी है यहाँ पर मैं फिल कर देती हूँ, उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अगर आप नहीं आते हैं ओटीपी तो फिर से रिसेंट ओटीपी पे आप क्लिक कर सकते हैं और अपना ओटीपी यहाँ पर चले जाएगी। तो मेरा ओटीपी आया हुआ है। तो इस बॉक्स में सारे बॉक्स में मेरा ओटीपी देने के बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ओटीपी देने के बाद, उसके पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है लॉकआउट हो चुके हैं। तो फिर से आपका आईडी पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर अपना जो आईडी है लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद अपना यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं या फिर अपडेट हो चुका है। तो यही था प्रोसेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉकआउट हो चुके हैं और मेरा जो यहाँ पर ईमेल आईडी जो चेंज यहाँ पर जो है सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट यहाँ पर लॉकआउट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अपना आईडी यहाँ पर लॉगिन करके आपको चेक करना होगा कि आपका ईमेल आईडी चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फिर से यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आईडी यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि withmeofficial@gmail.com। तो ऐसे ही करके अपना ईमेल आईडी आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा ही था प्रोसेस। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।